नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की अगर अपन बात करें तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एक्सट्रीम लेवल तक इसको अपन लेके चलेंगे। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कि या तो किसी ने पूर्णतया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुकी हो, या ऐसे भाई या ऐसे बहन हो जिन्होंने कतई भी ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ी हो, फिर भी अपन ट्रिग्नोमेट्री उनको सिखा देंगे। तो मेरे दोस्तों, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। बिल्कुल आसान तरीके से आपको देखना है, देखते हुए चलना है, क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। ट्रिगोनोमेट्री, चलिए दोस्तों अगर मैं बात करूं ट्रिगोनोमेट्री की, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति। अच्छा, अगर मैं इसके नाम से इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो ट्री मतलब ट्राई, गॉन और मेट्रिक। ट्राई मतलब तीन, ठीक है दोस्तों। गॉन मतलब होता है दोस्तों साइड। क्या होता है? साइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुजा। और मेट्रिक, मेट्रिक क्या होता है? ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। मेट्रिक क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जो मेट्रोन से लिया गया है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है दोस्तों? मेजरमेंट यानी कि कैलकुलेशन करना, मेजरमेंट करना, नापना, मेजर करना। सीधी से बात क्या है कि तीन भुजाओं के मेजरमेंट को, तीन भुजाओं के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं या त्रिकोणमिति कहते हैं। और अगर जब बात भुजा की होती है तो भुजा की अगर बात होगी तो एंगल भी आएंगे। बोलो, अगर भुजा की बात होती है तो एंगल भी तो आएंगे ना, क्योंकि अगर मेरी बात सुनो, जैसे तीन भुजा की मैं बात कर दी, ये तीन साइड्स एक दूसरे से मिली हुई है। अब अगर ये, इसको मैं नाम दे दूँ ए बी और ये सी, ये तीन साइड्स मैंने नाम दे दी, ए बी, बी सी और ए सी, तो इनके बीच कोई ना कोई एंगल भी तो बन रहा है ना। ये थीटा वन है, ये थीटा टू है और ये थीटा थ्री है। और आप सबको पता है कि थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब अगर साइड्स आ गए तो उनके बीच के एंगल भी तो आएंगे ना, तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि तीन एंगल का क्या? मेजरमेंट। तीन एंगल का क्या मेरे दोस्तों? मेजरमेंट। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में है? मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा आपका अध्याय है, एक ऐसा आपका चैप्टर है जिसके अंदर तीन साइड्स हो। अब तीन साइड्स तो ट्राइंगल में ही होती, यानी कि ट्राइंगल्स के मेजरमेंट को, उनकी साइड्स के बीच के रेशियो को, उनके एंगल के बीच के रेशियो को दर्शाता कौन है? ट्रिग्नोमेट्री। सीधा से मतलब अगर मैं बात करूं, निष्कर्ष अगर अपन इसके पे पहुंचे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज ही क्यों किया गया? तो त्रिभुज की भुजाओं का मेजरमेंट करने के लिए। किसका दोस्तों? त्रिभुज की भुजाओं का मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया। और आप सब समझ ही चुके हो कि सर अगर भुजाओं की बात होगी तो एंगल्स की भी बात होगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्तों। अगर अपन आगे की बात करें, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे किस कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पे 7 या 8 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 3 या 4 तरीके के क्वेश्चन अपने हाइट एंड डिस्टेंस में बढ़ते हैं, लगभग 11 से 12 टाइप अपन पढ़ेंगे। पहले टाइप के अगर मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल आसानी से समझते हैं। तो फर्स्ट टाइप की मैं बात करता हूँ, टाइप नंबर वन की। दोस्तों आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में अपन ने पहले सीख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है भाई? ट्राइगनमेट्री यानी कि तीन साइड्स का मेजरमेंट जो होता है उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो जो दे रखा होगा आपको, उनका मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि किससे किससे इसका यूज किया जाएगा, यानी कि यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
मिनट, बिल्कुल ध्यान से देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रथम चतुर्थांश पर आधारित, प्रथम चतुर्थांश पर कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, सारी चीज़ों के अपन जानकारी लेंगे, सारी चीज़ों के अपन बातचीत करेंगे। अगर इंग्लिश में बात करूँ मैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अपन बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि क्वाड्रेंट क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो अपन बाद में बात करेंगे, पहले क्वाड्रेंट के बारे में तो पता हो। तो चलिए देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला, ठीक है, ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 180 डिग्री और ये है आपका 270 डिग्री। कितना दोस्तों? 270 डिग्री और यही बन जाता है आपका 360 डिग्री। बताओ यहाँ तक तो कोई डाउट है? ये वाली लाइन 0 डिग्री, ये वाली लाइन 90 डिग्री, ये वाली लाइन 180 डिग्री और ये वाली लाइन कितनी? 270 डिग्री। और फिर आगे बढ़ेंगे तो 90-90 के एक पे ये चलते हैं, इसी वजह इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या दो बोलते हैं दोस्तों? क्वाड्रेंट। अपन ने 2D वन पढ़ा था मेंचुरेशन में, वहाँ भी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट के बारे में, बताया था ना। जब अपन ने स्क्वायर पढ़ा था तो फिर मैंने वहाँ बताया था कि इसको एक क्वाड्रेंट ऐसे सर्किल को काट देते हैं, इसे काट देते हैं तो फिर कैसे एरिया मेजरमेंट किया जाता है। तो वही बात है, बाकी सारी चीज़ें आप देखिए, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये 0 डिग्री से लेके ये 90 डिग्री तक का जो एरिया है मेरे दोस्तों, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? ध्यान से देखो, ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये वाला एरिया क्या कहलाता है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम चतुर्थांश, नाइन्टी डिग्री तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 के एक भी डिग्री इधर आया तो वो क्या हो जाता है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या हो जाता है दोस्तों? सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो 180 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक मेरे दोस्तों, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर मैं बात करूँ 180 डिग्री के थोड़ा सा भी इधर आ गया ना आप नीचे 270 वाली लाइन में, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, ठीक है दोस्तों। अब देखो 180 डिग्री से कहां तक? 270 डिग्री तक। कौन सा? थर्ड वाला चलेगा। और इसके बाद में 270 तक तो थर्ड है, 270 के थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपके चार क्वाड्रेंट हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ। हाँ बोलो, कमेंट सेक्शन में कुछ बोल दीजिए यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप। चलिए ये तो हो गए आपके क्वाड्रेंट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सर ये होता है, सेकंड आपका ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये होता है। अब आपको एक चीज़ बताई जाती है
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ के अंदर कौन पॉजिटिव होता है। आपको रटवा दिया जाता है, आपको रटना नहीं बेटा, आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको समझना है, समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाना है। देखना आगे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए ये लीजिए सर, ठीक है, ये आपको पता है 0 से 360, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये दोस्तों 270 डिग्री। बताओ यहाँ तक तो नहीं है ना दिक्कत, ये तो अपने कर ही लिया। अब ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया जी आपका सेकंड, ये हो गया मेरे दोस्तों आपका थर्ड, और ये वाला हो गया जी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखना दोस्तों, अब आपसे पूछा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव है। तो अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है। अच्छा देखना, मान लीजिए जैसे अभी मैं बोल दूँ आपको तो कोई दिक्कत नहीं है कि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है, इसमें साइन कोसेक है, इसमें टेन कोट है, तो उससे क्या होगा फिर रटने वाली चीज़ें हो जाएंगी। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आप बना लोगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें फिर दिक्कत आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सीखते हुए चलना है कि भाई ये चीज़ें होती है तो होती है क्यों। मैंने आपको बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव तो होते हैं भैया, क्यों ये भी तो बताओ ना सर, ये वाली चीज़ है। तो आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूँ, मैंने दो पॉइंट ऐसे मेजर कर लिए, एक पॉइंट मैंने ले लिया जी ये वाला, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया मैंने ये, ठीक है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कुछ भी नाम दे दो आप, आपकी मर्जी पड़े, जैसे ये वाला तो वही रहता है, आपको पता है ये वाला तो क्या है, ओरिजन है, वही रहता है। ये कुछ भी पॉइंट दे दो आप, जैसे मान लो ये मैंने ए पॉइंट दे दिया इसको, और ये वाला पॉइंट दे दिया मैंने इसको बी। देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री, ठीक है, क्वाड्रेंट 90 डिग्री, आपको पता भी चल रहा है 90 डिग्री। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, कौन से वाले एंगल की, इस वाले एंगल की, तो ये वाला एंगल है जी थीटा, ये वाला एंगल कितना है थीटा। अगर ये थीटा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये 90 माइनस थीटा होगा। अभी इसको कोई मतलब नहीं है, अपने को 90 माइनस थीटा होगा, कुछ भी हो डजेंट मैटर, ठीक है, आप बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, अल्फा ले लो, लेकिन ये पक्का है कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो ध्यान से, अब देखना आप, अगर ये वाला एंगल थीटा है ना मेरे दोस्तों, तो ये वाली लाइन क्या होगी बताओ मुझे। अगर ये वाला एंगल थीटा है और मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, आप बोलोगे सर ये जो है ना ये बेस होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, हिंदी में बोले तो आधार। बताओ सीधी सी बात क्या है, ना तो कोई नीचे वाली लाइन बेस होती, ना ऊपर वाली लाइन बेस होती। बेस या आधार किससे मेजरमेंट किया जाता है, कि आपने किस एंगल को मेजर किया है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, यहां पर एक, यहां पर एक लड़का है, ठीक है, और ये एक बिल्डिंग है, और ये छत है, और यहां पर एक लड़की है, ठीक है भाई साहब। अब देखो, ये लड़के ने इस लड़की को देखा, लड़के ने क्या किया, इस लड़की को देखा, तो कुछ ऐसे देखा होगा, बोलो ऐसे देखा होगा ना। अब अगर इसने ऐसे देखा तो इसका ये वाला एंगल देखा होगा, यहाँ से थीटा डिग्री के एंगल, भाई ये लड़की छत पे घूम रही है, लड़का नीचे रोड पे घूम रहा है, लड़के ने लड़के को देखा। अब लड़के ने अगर लड़की को देखा ना, तो किसी ना किसी एंगल पे तो देखा होगा भाई, या तो ऐसे देखा होगा, या ऐसे देखा होगा, कैसे भी देखा होगा, ऐसे देखा होगा, तो किसी ना किसी एंगल पे देखा होगा। तो अगर मैं लड़के के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो लड़का कहां पर खड़ा है, आप बोलोगे सर इस जगह पे खड़ा है, बोलो ये यहां पर रोड पे खड़ा है। इस लड़के का मेजरमेंट किस एंगल पे हुआ, आप बोलोगे सर थीटा डिग्री पे हुआ है। तो इस लड़के के लिए, किसके लिए, इस लड़के के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस,
यानी कि आधार, और इसके आधार के जो सामने वाली जो साइड होती है ये वाली, इसको क्या बोल देंगे जी? लंब। क्या बोल देंगे दोस्तों? लंब। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत है क्या भाई? लड़का कहाँ है? रोड पे। रोड पे से एंगल बन रहा है लड़की को देखने का थीटा डिग्री, यानी कि इस लड़के ने इस लड़की को थीटा डिग्री के एंगल पे देखा। अब थीटा डिग्री के एंगल पे देखा तो मैं लड़के के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो थीटा डिग्री से इसका मेजरमेंट होगा, और इस थीटा डिग्री के आधार पर ही इसको क्या बोला जाएगा? इस लाइन को बेस यानी कि आधार बोला जाएगा, और बेस के सामने वाली जस्ट लाइन क्या हो जाएगी? लंब। अब ये फिक्स नहीं है मेरे दोस्तों, ये जिंदगी भर फिक्स नहीं है कि ये आधार होगा, ये तो आपके गलत धारणा है। देखो कैसे, अब अगर लड़के ने देखा है तो लड़की भी तो देखेगी भाई, ये वाली लाइन तो ऐसे जा रही है अभी, लड़के ने देखा है इसे। अब लड़के ने देखा है, अब अगली वाली कंडीशन में क्या हुआ? लड़की देखेगी। अब देखना ध्यान से, देखो भाई ये वही लड़का, और ये लड़की। अब पहली वाली कंडीशन में क्या था? लड़के ने देखा था। अब इस वाली कंडीशन में क्या है? लड़की देख रही है। अब लड़की देखेगी मेरे दोस्तों तो वो इस तरीके से देखेगी, बोलो, इस लड़के को। अब लड़की देख रही है तो लड़की भी किसी ना किसी एंगल पर देखेगी ना। मान लीजिए ये थीटा डिग्री के एंगल पर देखा उसने, कितने डिग्री के एंगल पर देखा? थीटा डिग्री पर देखा। अगर थीटा डिग्री के एंगल पर मेरे बच्चे देखा उसने, तो अब देखो इस लड़के के रेस्पेक्ट में, अगर मैं इस लड़के के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसका मेजरमेंट किससे होगा? इस वाले एंगल से होगा, थीटा डिग्री से। ये किसी ना किसी एंगल से यानी कि थीटा डिग्री के एंगल से इस लड़के को देख रही है। अब इस लड़के को देख रही है तो एंगल इस वाली लाइन पर है, तो यानी कि इस लड़के के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया आपका आधार। आधार कोना वाला नहीं भाई ये, है ना, ये हो गया आपका आधार। और आधार के जस्ट सामने क्या होता है? आप बोलोगे सर लंब। तो एक ही डायग्राम के अंदर एक ही आदमी है, बोलो, एक ही डायग्राम के अंदर ये लड़का, ये लड़की, ये लड़का, ये लड़की है, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे एंगल का मेजरमेंट चेंज हुआ वैसे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए, यानी कि जहां पर भी आपका एंगल मेजरमेंट होगा उसी एंगल के आधार पर आप देखोगे कि कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। अगर थीटा यहां पर है दोस्तों, कहां पर? थीटा नीचे वाले है तो नीचे आधार होगा, अगर थीटा ऊपर है तो ऊपर आधार होगा, आधार के जस्ट सामने लंब होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं है कि रट्टू तोते की तरह कुछ भी कर दो। आ रही है ना बात समझ में कि भाई साहब सीधी से बात आपके सामने ये है कि कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, हालात के आधार पर चीज़ें बदलती है, हालात के आधार पर चीज़ें बदलती है। अब देखना ध्यान से, अब देखो मैंने दो पॉइंट मेजर किए थे ए और बी, यहाँ पर मैंने ले लिया जी एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो क्या ये पॉजिटिव है? बताओ, ये जीरो डिग्री है यहाँ से और ये यहाँ तक, तो ये वाली लाइन जो है क्या ये पॉजिटिव है क्या? आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव है, बताओ, पॉजिटिव है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये वाली लाइन भी क्या पॉजिटिव होती है क्या? ये ऊपर वाली लाइन, हाँ पॉजिटिव होती है ना, तो यानी कि सर ये वाली जो लाइन है ना ये भी क्या है? पॉजिटिव है, बताओ। अब देखो आधार भी पॉजिटिव है, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये आधार हो गया ना, और ये क्या हो गया? लंब हो गया, तो आधार भी पॉजिटिव है और ये लंब भी क्या है दोस्तों? पॉजिटिव है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आधार पॉजिटिव है, लंब पॉजिटिव है, तो ये क्या बचा? कर्ण, तो कर्ण तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये किस में चलता है बताओ? ये आपका कर्ण हो गया हाइपोटेनस, ये कर्ण किस में चलता है? आप बोलते हो सर स्क्वायर में चलता है। कर्ण क्या होता है? देखो ध्यान से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या यही होता है? बताओ भाई कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अब आप मुझे ध्यान से देखो, देखो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ ना दोस्तों, तो देखो ध्यान से इधर देखना, तीन रेशियो होते हैं, साइन रेशियो, कोसेंट रेशियो, ठीक है, और आपका टेंजेंट रेशियो, साइन रेशियो, कोस रेशियो और आपका टेंजेंट रेशियो। इन्हीं तीन के आधार पर तीन नए बने, इन्हीं तीन के आधार पर तीन नए बने, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं साइन रेशियो की, किसकी बात करूं? साइन रेशियो की, तो साइन रेशियो किसको बोलते हैं दोस्तों?
लंब बटे कर्ण को, लंब बटे कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं दोस्तों? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो आपको एक चीज सिखाई होगी बचपन में, लाल बटे कक्का, बताओ। और इंग्लिश मीडियम वालों को सिखाई कि पंडित भोले प्रसाद बटे हर हर बोले, बताओ भाई साहब, यही थे ना? अरे बोलो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, किसकी बात करूं? साइन थीटा की। तो साइन थीटा की अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखो साइन थीटा में क्या आता है, एक तो आता है लंब, एक आता है हाइपोटेनस कर्ण। तो लंब क्या है? पॉजिटिव है। कर्ण क्या है? पॉजिटिव है। तो लंब भी क्या है? पॉजिटिव है। कर्ण भी क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। साइन थीटा क्या हो गया दोस्तों? पॉजिटिव हो गया। अब देखो ध्यान से, कर्ण पॉजिटिव क्यों है समझ में आया ना? क्योंकि अगर ये नेगेटिव भी होते तो भी स्क्वायर लग के क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। जैसे नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखो मैं बात कर लेता हूं कोफ थीटा की। किसकी? कोफ थीटा की। अच्छा कोफ थीटा क्या होता है बोलो? आधार बटे कर्ण। ये साइन थीटा, ये कोफ थीटा, ये टेन थीटा, ठीक है? ये कोट, ये सेक, ये कोसेक। फिर मैं आगे चल के आपको साइन रूल बताऊंगा, कोसाइन रूल बताऊंगा, ठीक है? टेंजेंट रूल बताऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा, टेंशन मत लेना। तो कोफ थीटा की अगर मैं बात करूं तो कोफ थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो इस वाले एंगल में, इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आधार कितना है? आप बोलोगे सर ये रहा आधार, है या नहीं है? तो आधार पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आप बोलोगे सर पॉजिटिव। तो साइन थीटा क्या होता है? देखो ध्यान से, आधार बटे कर्ण। तो आधार भी पॉजिटिव, कर्ण तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, कितना क्या पॉजिटिव है बताओ? यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोफ थीटा भी क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। चलो आगे अब बात कर लेते हैं टेन थीटा की। कौन सा थीटा? टेन थीटा। देखो टेन थीटा क्या होता है बच्चे? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे आधार, देखो ध्यान से, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लंब यही है ना, तो लंब पॉजिटिव है क्या? आप बोल रहे हो सर पॉजिटिव है। लंब क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लीजिए। बटे आधार, ये रहा सर आधार भी क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव लीजिए। तो पॉजिटिव बचे पॉजिटिव कितना आ जाएगा सर? पॉजिटिव, ये लीजिए। टेन थीटा भी क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। चलिए कोट थीटा की बात कर लेते हैं। कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या है? टेन का उल्टा कोट होता है। तो आधार बटे लंब, नीचे से चलना है आपको, ऊपर से चलोगे तो साइन, ये आपका कोस, ये आपका टेन, ठीक है? और नीचे से चलोगे तो ये आपका कोट, ये आपका सेक, और ये आपका कोसेक, ठीक है ना दोस्त? ऊपर से चलोगे यूं तो साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, और नीचे से चलोगे तो कोट सेक कोसेक, ठीक है ना? कोट सेक कोसेक, ठीक है? अब देखो कोट थीटा, तो कोट थीटा नीचे चलना पड़ेगा दोस्तों। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब एक बात बताओ, आधार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आधार क्या है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आधार क्या है? पॉजिटिव। तो ये लीजिए साहब, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव कितना आएगा? पॉजिटिव। यानी कि साइन पॉजिटिव, कोफ पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव, और कोट थीटा भी क्या है इसमें? पॉजिटिव। अब कौन कौन बचे? सेक थीटा बचा और कोसेक थीटा, चलो उसको भी देख लेते हैं। इसको हटा दूं,
चलिए कोट हो गया दोस्तों, कोट के बाद में क्या आएगा, सेक थीटा। सेकेंट बोलते हैं इससे तो, ठीक है, लेकिन अपन नॉर्मल वे में सेक थीटा बोल देते हैं, नहीं तो सेकेंट होता भाई साहब, क्या होता है सेकेंट थीटा। तो सेक थीटा की अगर मैं बात करूँ, देखो ध्यान से, सेक थीटा में क्या होता है, अरे बोलो, कर्ण बटे आधार, भाई आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका कोस थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब आप यहाँ पर देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्ण क्या है, पॉजिटिव, आधार क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, और पॉजिटिव में पॉजिटिव का भाग देते हैं तो क्या पॉजिटिव ही आता है क्या, तो ये लीजिए साहब पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सेक थीटा भी क्या हो गया आपका पॉजिटिव। चलिए अब बात करते हैं कोसेक थीटा की। चलिए कोसेक थीटा क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब, जैसे साइन थीटा होता है ना लंब बटे कर्ण, तो उसका उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब, तो ये आपका कर्ण बटे लंब। अच्छा कर्ण क्या है आपका पॉजिटिव, लंब क्या है आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव कितना पॉजिटिव, यानी कि कोसेक थीटा भी क्या आ गया आपका पॉजिटिव। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सारे के सारे क्या है पॉजिटिव है, सारे के सारे क्या है पॉजिटिव है। ठीक है अब देखिए ध्यान से, कई चीज समझ में है आपको, इस वजह से बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोस्तों सारे के सारे रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अब आप मुझे देखो इसका क्विक रूल होते हैं अपन, देखो ध्यान से इसका क्विक रिव्यू ले अपन, तो आपको पता है साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही सारी वैल्यू होती है अपने पास, छह वैल्यू, इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं है। अब देखा ध्यान से, यहां पर मैं थोड़ा सा आपके सामने मेजर कर देता हूं। अब देखो अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, किसके सेकंड क्वाड्रेंट की, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज पता है दोस्तों, लाल बटे कक्का, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी चीजें आपके सामने आई चुकी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी चीजें आपके सामने आई चुकी है। अब एक बात मुझे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आधार भी पॉजिटिव है, लंबी भी पॉजिटिव है, कर्ण भी पॉजिटिव है, लंब भी पॉजिटिव है, कर्ण भी पॉजिटिव है और आधार भी पॉजिटिव है। जब लंब भी पॉजिटिव है, आधार भी पॉजिटिव है, कर्ण भी पॉजिटिव है, इन तीन रेशियो के अलावा कोई चौथा रेशियो है क्या इसमें, जब चौथा रेशियो ही नहीं है और सारे के सारे पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है ना कि ऑल क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बोलो सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है ना आपको, भाई इसका क्विक रिव्यू अपन ने क्या लिया, इसके निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि सर तीन ही रेशियो अपने पास में, कौन कौन से, एक तो लंब, एक आधार और एक कर्ण, भाई तीन ही साइड से तीन ही रेशियो है। अब अगर तीनों रेशियो ही पॉजिटिव है तो नेगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं होता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे रेशियो जो है, तीनों के तीनों रेशियो सारे पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है तो वैल्यू भी सारी पॉजिटिव आएगी, इस वजह से सारे के सारे मान क्या होते हैं पॉजिटिव आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट की, किसकी सेकंड क्वाड्रेंट की, यानी कि मैं बात करता हूं इस वाले क्वाड्रेंट की। अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो मुझे वापस से दो एंगल लेने पड़ेंगे, ठीक है, दो चीजें लेनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए मैंने दो पॉइंट, एक वाला पॉइंट ये ले लिया, एक वाला पॉइंट मैंने ये ले लिया, मैंने इसको इससे इसे मिला दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने ये एंगल लिया थीटा, ये एंगल ले लिया मैंने थीटा, और अब आपसे पूछा, देखो ध्यान से, अब आप मुझे ये बताओ अगर मैं इस पहले एंगल की बात करूंगा तो इस एंगल के लिए ये तो क्या हो जाएगा आपका आधार,
बताओ होगा कि नहीं होगा भाई। जहां पर आदमी खड़ा है ना, जहां आपकी आंख है, जहां से आप देख रहे हो, जिस चीज को आप मेजर कर रहे हो, तो जहां से आप देख रहे हो ना, वही क्या होता है, आपका बेस होता है। तो लड़का यहाँ है, लड़की यहाँ है, लड़की को देख रहा है लड़का, तो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो गया, आधार हो गया। अब आप देखो, यहां से जब आप इधर चलते हो तो ये तो नेगेटिव लाइन आती है ना। अरे बोलो, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आप बोलोगे सर ये होती है आपके नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव। इसके सामने ये वाला एंगल जो, ये वाली साइड जो, ये तो क्या है आपका लंब, बताओ, और ये क्या है आपका कर्ण। अब लंब क्या है? पॉजिटिव। कर्ण ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव होते हुए भी क्या होगा, स्क्वायर में होकर पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात तो होगी, सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर चलता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सबसे पहले देखना ध्यान से साइन थीटा। साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो साइन थीटा क्या होता है बताओ? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्या यही होता है? इसको हटा देता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ। ये साइन थीटा आपका, साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण, क्या यही होता है? अब साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण होता है, तो देखो ध्यान से, लंब की मैं बात कर लेता हूँ, लंब की बात कर लेता हूँ, तो लंब क्या है? पॉजिटिव। लंब क्या है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो लंब क्या है? पॉजिटिव है। और कर्ण क्या है? पॉजिटिव। लंब भी पॉजिटिव है, कर्ण भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। बताओ कोई दिक्कत है? पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है? पॉजिटिव। चलो मैं यहाँ सारे के सारे एक साथ मेजर कर दूँ क्या? चलो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि साइन थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, साइन के बाद में किसकी बारी आती है दोस्तों? कोस की। ये लीजिए जी साहब, ये कोस थीटा। अच्छा, कोस थीटा क्या होता है? अरे लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है क्या? अरे बोलो, आधार बटे कर्ण। अब आधार की बात कर लेते हैं दोस्तों, आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। आधार क्या है? नेगेटिव। अरे बोलो, आधार क्या है? नेगेटिव। आधार नेगेटिव है, कर्ण क्या है? पॉजिटिव है। आधार नेगेटिव है, कर्ण पॉजिटिव। भाई आधार यही तो है ना, और ये क्या है? नेगेटिव है आपका, ये वाली लाइन तो नेगेटिव है ना। तो आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार क्या है? नेगेटिव। कर्ण क्या है? पॉजिटिव। आधार क्या है? नेगेटिव। कर्ण क्या है? पॉजिटिव है। अब नेगेटिव बटे पॉजिटिव, क्या नेगेटिव आएगा? यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा क्या आ जाएगा दोस्तों? नेगेटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव था, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या गया? नेगेटिव हो गया। बताओ कोई डाउट है? कोस के बाद में आता है मेरे दोस्तों टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा क्या होता है? लाल बटे कक्का, ये रहा ना यार, लंब बटे आधा। अगर याद नहीं है तो आप इसे देख लो, लंब बटे आधा, इंग्लिश मीडियम वाले ही। ये लो, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है? अरे देखो, लंब बटे आधा या पी बाई बी, पी बाई बी, तो लंब बटे आधा। अब ज़्यादातर मेजोरिटी अपने साथ हिंदी मीडियम की, इस वजह से अपन लंब बटे आधार बोल रहे। ये तो अपन तो पहले जब अपन ने पढ़ा था, तो अपन तो इसी से करते थे, पी बाई बी पे, ठीक है। अब देखो, लंब बटे आधार, अगर मैं बात करूँ लंब की, तो लंब तो पॉजिटिव है भाई साहब। देखो ये वाला लंब है और ये क्या है आपका? पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं आधार की बात करूँ, तो आधार तो ये रहा सर, और आधार यहाँ पर क्या दे रहा है? आप बोल रहे हो नेगेटिव है। यानी कि आधार क्या है दोस्तों? नेगेटिव। चलो मेजर करो, लंब क्या है? पॉजिटिव, ये रहा जी। आधार क्या है? नेगेटिव, ये नेगेटिव। जब पॉजिटिव नंबर में किसी नेगेटिव नंबर का भाग देते हो तो क्या आता है? नेगेटिव। इस वजह से टेन भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा दोस्तों? नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव थे ही सही, इसमें ये क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब टेन के बाद में बात किसी करेंगे सर? कोट थीटा की। किसकी? कोट थीटा की। चलो कोट थीटा की मैं अगर बात करूँ, तो कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, हेरा नीचे, आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आधार बटे लंब। अब अगर आधार बटे लंब की मैं बात करूं, तो एक बात बताओ, आधार तो आपको पता चल गया ना कि सर सेकंड जो क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आधार क्या है? नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आधार क्या है? नेगेटिव है। और आधार नेगेटिव है, तो लंब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है, क्योंकि लंब तो पॉजिटिव दे ही रखा है ना भाई। तो आधार क्या है? नेगेटिव। तो आधार नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव लीजिए साहब, अपॉन लंब क्या है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा?
नेगेटिव, यानी कि कोट थीटा भी क्या आ गया दोस्तों आपका नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या आ गया नेगेटिव आ गया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? और आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि यार टेन का उल्टा ही तो होता है कोट, टेन का उल्टा ही तो होता है। अब उल्टा होने में देखो नंबर बदल जाते हैं, चिन्ह थोड़ी बदलते हैं भाई, पॉजिटिव का नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा, दो का एक बटे दो हो जाएगा, एक बटे दो का दो हो जाएगा, हैं, दो बटे पाँच का पाँच बटे दो हो जाएगा, पाँच बटे दो का दो बटे पाँच हो जाएगा, लेकिन क्या माइनस दो बटे पाँच का प्लस का पाँच बटे दो हो जाएगा क्या? नहीं, गलत है बात। यानी कि नेगेटिव चेंज होने पर भी क्या होगा, संख्या चेंज हो जाएगी लेकिन जो आपका चिन्ह है वो कभी साइन है कभी भी चेंज नहीं होगा। अब कोट के बाद में क्या आएगा आपका सेक थीटा, बताओ सेकेंड। अब सेक थीटा की अगर मैं बात करूँ तो ये कोस का उल्टा होता है भाई साहब, क्या होता है कोस का उल्टा, और नहीं पता तो फिर इधर देखो कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे आधा। अच्छा कर्ण क्या है आप तो बोलोगे सर कर्ण तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये लीजिए ना यार पॉजिटिव। आधार सर अब तो पता ही चल गया आधार नेगेटिव है, बट फिर भी नहीं चला तो मेरे बेवकूफ दोस्तों इधर देख लो थोड़ी देर के लिए, ये नेगेटिव रहा है ना नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव दैट मीन्स नेगेटिव, अरे आया समझ में? पॉजिटिव में नेगेटिव का भाग सर हो भाई सब नेगेटिव निकल के आएगा। यानी कि सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो सेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई सब पॉजिटिव है। अब मैं बात कर लूँ कोसेक थीटा की, तो ये रहा आपका कोसेक थीटा, ठीक है भाई साहब। कोसेक थीटा क्या होता है भाई साहब, साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का क्या होता है उल्टा, उल्टा 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 होता है। तो देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी कि कर्ण बटे लंब। अच्छा कर्ण सर ऑलवेज पॉजिटिव क्यों मजाक कर रहे हो, लंब लंब क्या होता है। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो लंब जो बन रहा था वो 90 डिग्री वाली लाइन पे बन रहा था, देखो ध्यान से ये रहा आपका लंब 90 डिग्री वाली लाइन पे, तो 90 डिग्री वाली लाइन पे ये क्या है, ये पॉजिटिव ही तो है, ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये लंब भी क्या है इसमें पॉजिटिव है दोस्तों, क्या है पॉजिटिव है, तो लंब भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या निकल के आएगा पॉजिटिव। ओ रे भाई मजे आ गए, कोसेक भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब कुछ समझ में आया आपको? देखो ध्यान से यार यहां से निष्कर्ष निकालो। देखो पहले तो अपने बेसिक से सारी चीजें करी कि क्यों होता है क्यों नहीं होता है, अब आप क्या करो अब इन चीजों से निष्कर्ष निकाला करो कि यार ये ऐसे हुआ ये कैसे हुआ, ये चीजें कहां से आई ये चीजें कहां से नहीं आई। तो इन चीजों से निकालने से अपने को क्या फर्क पड़ा ध्यान से देखो। सर अगर मैं बात करूं तो ये रहा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, यही था सॉरी, यही था ये आपका ए पॉइंट मान लीजिए, ये ओ पॉइंट मान लीजिए, ये आपका बी पॉइंट मान लीजिए। बताओ क्या यही थीटा था, क्या यही आपका आधार था बेस था, कि यही आपका लंब था, क्या यही आपका कर्ण था, बोलो। अब ये तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है बताओ, अरे बोलो इसके अंदर ये क्या था, अरे बोलना यार पॉजिटिव, अरे ये क्या था आपका नेगेटिव। अब देखो ऐसे रेशो देखो जिसमें कर्ण पॉजिटिव है लंब पॉजिटिव है, जिसके अंदर कर्ण और लंब को छोड़ के कोई तीसरा रेशो आ गया वो ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव होगा। अब देखो आप कोसेक थीटा और साइन थीटा में कर्ण और लंब है तो पॉजिटिव है, तो इनके अलावा जो जितने भी बचे ना मेरे भाई उनमें आधार आ रहा है कहीं ना कहीं, कोस थीटा में भी आधार आ रहा है, टेन में भी आधार आ रहा है, कोट में भी आधार आ रहा है, सेक में भी आधार आ रहा है, और जहां भी आधार आ गया तो आधार तो नेगेटिव है, आधार तो क्या है नेगेटिव है। तो अगर आधार नेगेटिव है तो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। अब अपने को बार बार ऐसे वैल्यू पुट करके वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, अब अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैंने पूरा आपको बता दिया दो क्वाड्रेंट्स का। अब थर्ड क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सीधा कैसे ऐसे मेजर कर लेंगे अपन, ठीक है भाई हम यहाँ तक। अब चलो इसको मिटा दूं, देखना थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, देखो यहां पर मैं बना देता हूं आपका, इसको मेजर कर लेते हैं।
पहले आपको दिखाई दो इधर। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं और यहां पे इसके अंदर भाई साहब साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव आया, ठीक है। इसके अंदर ऑल ठीक है। चलो अब अपन इसकी बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से भाई, ये तो नेगेटिव है और ये भी तो नेगेटिव होता है मेरे दादा। ओ मुन्ना भाई पता, ये भी तो नेगेटिव होता है ना, ये जीरो से इधर आते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है। अब देखो भाई साहब सीधी सी बात ये कि अगर आपने एंगल ये वाला मेजर किया है, कौन सा बताओ, ये करोगे क्या, ये वाला ले लो। अगर आपने ये एंगल मेजर किया है तो यही आपका क्या आधार है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इस वाली लाइन पर बना हुआ है। अगर ये आधार है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब। क्या आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बताओ अगर ये आधार है तो आधार के जस्ट सामने, आधार के जस्ट सामने क्या होगा, लंब हो जाएगा। लंब भी क्या है, नेगेटिव है। आधार क्या है, नेगेटिव है। बताओ, अरे बोलो, लंब क्या है, नेगेटिव है। आधार क्या है, नेगेटिव है। अब देखो ध्यान से, इधर आ जाओ अच्छे बच्चों, इधर आ जाओ फटाफट से। ये लीजिए साहब, ये ओ, ये ए और ये बी, ये थीटा मान लो, ये क्या मान लो, थीटा मान लो, ये थीटा है। अब देखो ध्यान से, ये नेगेटिव है और ये भी क्या है, नेगेटिव है। अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, आपका आधार है, ये आपका क्या है, आधार है। ठीक है, और जो कि क्या है, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। कर्ण तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये आधार लंब, दोनों नेगेटिव है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ, देखो ध्यान से, साइन थीटा की बात करो तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, नेगेटिव। देखो ध्यान से, लंब क्या है, नेगेटिव, कर्ण क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव बटे पॉजिटिव, नेगेटिव बटे पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या जाएगा, साइन थीटा नेगेटिव। आया समझ में भाई, देखो ना ध्यान से, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ तो कोस थीटा ये रहा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, नेगेटिव, कर्ण क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव बटे पॉजिटिव भाई साहब नेगेटिव आएगा। ये लीजिए, टेन थीटा की बात करूँ तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है, नेगेटिव, आधार क्या है, नेगेटिव, लंब क्या है, नेगेटिव, आधार क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव बटे नेगेटिव भाई साहब इस बार प्लस हो जाएगा, भाई साहब खेल खत्म हो गया। नेगेटिव में नेगेटिव को भाग लगाएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, अब देखो आ जाओ, टेन का उल्टा एक होता है, पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर भी देखो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है, अरे बोलो, नेगेटिव, लंब क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चलो सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करूं तो कर्ण अपॉन लंब और कर्ण बटे लंब होता है। अब आप देखो ध्यान से, आधार और लंब दोनों में आ रहा है और दोनों नेगेटिव होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि दूसरे जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो क्या होगा, अरे बोलो, नेगेटिव होगा। यानी कि ये भी नेगेटिव हो जाएगा आपका और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, मैंने दो क्वाड्रेंट आपको बिल्कुल अच्छे से सोल्व करवाई दिए, तो थर्ड और फोर्थ तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि आप कैसे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यानी कि थर्ड से अपने को क्या रिजल्ट निकल के आया कि सर टेन को और कोट को छोड़ दें तो बाकी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। वो भी क्यों होती है, क्योंकि सर टेन और कोट में लंब और आधार आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे, नेगेटिव से नेगेटिव कट के दोनों के पॉजिटिव में चेंज हो जा रहे हैं। इसी वजह से केवल टेन और कोट को अगर अपन छोड़ दें तो बाकी की सारी चीज़ें मेरे दोस्तों क्या है, नेगेटिव है। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अपन बोले तो टेन थीटा
और कोट डेटा, ये क्या है पॉजिटिव है और बाकी के सारे क्या है नेगेटिव है, यानी कि ये क्या है आपके पॉजिटिव है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, तुम नेजर कर लेते हैं, मान लीजिए ये लीजिए सर, ये वाला एंगल ले लीजिए आप तो थीटा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर ये एंगल लिया है तो ये आपका आधार है, है या नहीं है? अगर आपने ये वाला एंगल लिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार हो गया तो आधार के जस्ट सामने भाई साहब यही तो है, यही तो है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है। और ये वाला एंगल कौन सा, ये आपका कर्ण है, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये क्या होगा आपका लंब। देखो लंब तो क्या है नेगेटिव है, आधार क्या है पॉजिटिव है, और कर्ण क्या है, आप बोलोगे सर कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, सब ठेका ले लिया उसने पॉजिटिव होने का। ठीक है, आजकल पॉजिटिव के नाम पे लेकिन दुनिया डर रही है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव के नाम पे घमंड है इनको। देखो ध्यान से, अब आप ऐसे समझ सकते हो सर तीन रेशो अपने पास में, एक तो लंब है आधार है एक कर्ण है, एक तो लंब है आधार है कर्ण है, बोलो लंब आधार और कर्ण, अब तीन पे से खेल खेलना है। अब जिसमें लंब आ गया वो नेगेटिव हो जाएगा, बोलो जिसमें आधार और कर्ण आ गया वो पॉजिटिव हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करें, आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, देखो ध्यान से कुछ इस तरीके का एक चित्र बन रहा होगा आपके, बोलो ये वाला एंगल आपने थीटा लिया है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है और ये आपका लंब है भाई साहब, ये वाला थीटा लिया था आपने। अब देखो लंब क्या है नेगेटिव है, आधार क्या है पॉजिटिव है, कर्ण क्या है पॉजिटिव है, बताओ। अब देखो आधार लंब कर्ण, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा और कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा सारे के सारे पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखो देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अब लंब क्या है नेगेटिव है, कर्ण क्या है पॉजिटिव है, तो लंब बटे कर्ण यानी कि नेगेटिव बटे पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा नेगेटिव, क्या आएगा भाई साहब नेगेटिव, बताओ कोई दिक्कत है क्या। साइन के बाद में आता है कोस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, एक बात बताओ नेगेटिव तो केवल लंब था, क्या आधार और कर्ण पर उसको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो कोई पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ध्यान से, आधार पॉजिटिव है कर्ण पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव। बताओ अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो लंब बटे आधार ये रहा, लंब बटे आधार, अब लंब क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव में पॉजिटिव का भाग लगाओगे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव लीजिए। उसके बाद में कोट तो जस्ट उल्टा होता है, लेकिन चिन चेंज नहीं होता है तो माइनस आएगा नेगेटिव आएगा, फिर भी देख लो आधार बटे लंब, देखो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूँ सेक थीटा की, सेक थीटा बिल्कुल ध्यान से, सेक थीटा तो सेक थीटा ये रहा भाई साहब आपका कर्ण बटे आधार, वैसे कोस का उल्टा होता है आधार बटे कर्ण का, कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा आपका कर्ण बटे आधार, तो देखो कर्ण भी पॉजिटिव है आधार भी पॉजिटिव है, कर्ण भी पॉजिटिव है आधार भी पॉजिटिव है, कर्ण भी पॉजिटिव है आधार भी पॉजिटिव है, जब दोनों ही पॉजिटिव है पॉजिटिव तो होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मेरे दोस्त हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब देखो कौन बचा भाई साहब, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो भाई साहब नेगेटिव होगा, आपको वैसे पता चल गया, लेकिन फिर भी आप देखो कर्ण बटे लंब। अब कर्ण के मैं बात करूँ तो कर्ण तो पॉजिटिव है, कर्ण तो पॉजिटिव है लेकिन लंब तो आपका नेगेटिव है, कर्ण तो पॉजिटिव है लेकिन लंब तो आपका नेगेटिव है, तो भाई साहब देखो ना यार नेगेटिव में पॉजिटिव का भाग लगाओ तो नेगेटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैंने बात की तो आपको समझ में आ चुका होगा मेरे दोस्तों कि कौन कौन पॉजिटिव होता है कौन कौन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो क्यों पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है तो क्यों नेगेटिव होता है। क्या यहाँ तक की मेरी बात आप सबको समझ में आई, समझ में आई तो इसको आगे मेजर कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आया भाई साहब, एक तो आया सेक एक आया कोस, बोलो एक तो आया सेक एक आया कोस।
sec थीटा और cos थीटा, ये सब क्या है आपके पॉजिटिव है। तो ये आपके क्वाड्रेंट के ऊपर बातचीत करी हैं अपने अपन अभी तक कि सर क्वाड्रेंट क्या होते हैं, 90-90 डिग्री में बटे होते हैं, एक सर्किल होता है जिसे आप ध्यान से देखोगे ना तो इसको ऐसे मिलाओगे ना तो एक सर्किल बन जाएगा, एक वृत्त, और आप जानते हो एक वृत्त का इंटीरियर जो एंगल होता है टोटल उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर दूसरे तरीके से समझना चाहो तो एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, तो एक सरल रेखा तो ये होकर एक इसके दूसरे साइड में होगी, तो 180 और 180 360 डिग्री है, तो 90-90 के चार क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो एक बोतल होती है, बोतल उस बोतल को चार भागों में डिवाइड करोगे तो जो चौथा भाग होता है, एक चौथा भाग, उसको क्वार्टर तो बोलते हैं है ना, और आधे को हाफ बोल देते तो ये तो हो गया ऊपर वाला तो हाफ, और ये हो गया आपका क्वार्टर है ना। तो अपन क्वाड्रेंट बोल देते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आई क्या आपको? बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहां तक कॉपी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं क्या चीजें चलेंगी। अब देखो हो गया, देखो क्या क्या सीखा। सबसे पहले देखा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, भाई तीन साइड्स का मेजरमेंट करने के लिए जिस विधि का उपयोग में किया जा लिया जाता है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बेसिक अपन ने बात की, निष्कर्ष निकाला कि त्रिभुज को भुजाओं को मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ये तीन साइड्स होगी, θ1, θ2, θ3, इसके तीन एंगल हो गए और इनका सम क्या हो जाता है जी, 180 डिग्री हो जाता है। फिर आगे अपन ने बात की टाइप नंबर फर्स्ट में अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो पहले करेंगे प्रथम चतुर्थांश पर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू आएंगी उन पर आधारित अपन प्रश्न डिस्कस करेंगे। फिर अपने देखा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और चार क्वाड्रेंट, यानी कि चार चतुर्थांश होते हैं। चार चतुर्थांश की अगर अपन बात करें तो पहले प्रथम चतुर्थांश की अगर अपन बात की है तो उससे पहले अपन चतुर्थांश के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अपने देखा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव यानी कि आधार भी पॉजिटिव होता है, लंब भी पॉजिटिव होता है, कण हर कंडीशन में पॉजिटिव होता है। तो जिसमें आधार और लंब दोनों पॉजिटिव है तो सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अपन ने देखा कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक में साइन, लंब, आधार और कर्ण तीनों में से कोई ना कोई रेशियो आ रहा था और यहाँ पर अपन ने बात की तो सारे के सारे रेशियो जो क्या थे पॉजिटिव थे, तो सारे की वैल्यू आ गया पॉजिटिव आ गई। उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट की अगर अपन ने बात की तो आपका आधार नेगेटिव होता है, लंब आपका पॉजिटिव होता है, लंब पॉजिटिव, आधार नेगेटिव, आपका जो कर्ण होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आप देखो ध्यान से कि ऐसे रेशियो जिनमें आधार नहीं हो वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि लंब और कर्ण, देखो दो रेशियो तो आएंगे आएंगे क्योंकि लंब और कर्ण तो पॉजिटिव है, लेकिन जिनमें नेगेटिव आ जाएगा ना आपका आधार वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे। तो अपने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक की दो ऐसी चीज है, ऐसे मेजरमेंट है जो पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी के सारे नेगेटिव है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर आधार की वैल्यू आ रही है, सही ना, कहीं उनके अंदर आधार की वैल्यू आ रही है किसी ना किसी रूप में। फिर मैंने बात की थर्ड क्वाड्रेंट के बाद में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आधार नेगेटिव है और लंब भी नेगेटिव है, आधार नेगेटिव है, लंब भी नेगेटिव है और कर्ण तो पॉजिटिव है। अब आप देखो मेरे दोस्तों, ये आपका कर्ण है और ये पॉजिटिव, क्योंकि हर कंडीशन में पॉजिटिव होगा। वैसे यहां से देख लो आप, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, और आप अगर कर्ण भी निकालोगे ना तो अंडर रूट में चली जाएगी वैल्यू, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब एक बात बताओ, लंब नेगेटिव है, आधार नेगेटिव है, अरे भाई इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, लंब का स्क्वायर करते ही पॉजिटिव होगा, भाई नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा ना, माइनस दो का स्क्वायर करो चार ही आएगा, दो का स्क्वायर करो तो भी चार ही आएगा, यानी कि इसका माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता कर्ण के ऊपर, किसके ऊपर, कर्ण के ऊपर, बाकी चीज़ों पर फर्क पड़ता है, कर्ण पर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि सर स्क्वायर में चलती है वैल्यू, वैल्यू किस में चलती है, स्क्वायर में चलती है। अगर वैल्यू स्क्वायर में चलती है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो भाई साहब, लंब भी नेगेटिव है, आधार भी नेगेटिव है, लंब भी नेगेटिव है और आधार भी नेगेटिव है। अब अगर लंब भी नेगेटिव है, आधार भी नेगेटिव है, तो करे क्या, देखो ध्यान से, जितने भी मैंने रेशो देखे उसमें कहीं ना कहीं लंब बटे आधार या आधार बटे लंब वाली कंडीशन बन रही थी, किसमें, देखो ध्यान से, इसी को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, ये आधार
लंब बटे आधार और आधार बटे लंब, अरे बन रहा ही नहीं बन रहा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। अब अगर मैं इनकी बात करूँ ना दोस्तों, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है कि नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव बना देगा, लेकिन दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है तो वो तो पॉजिटिव बन जाएगा ना। कैसे, माइनस अपन माइनस, माइनस दो अपन माइनस पाँच, दो बटे पाँच आता है, आता ही नहीं आता, देखो ना ध्यान से। इसमें मैंने बोला माइनस दो बटे माइनस पाँच, तो माइनस से माइनस कट जाता है, क्या इसको दो बटे पाँच लिखते हो क्या आप? हाँ या ना? तो मैं यही तो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो माइनस के दो बटे प्लस के तीन, तो इसको तो आप माइनस दो बटे तीन ही लिखते हो, अरे लिखते हो नहीं लिखते? अरे बात समझ में, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन दोनों ही नेगेटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और दोनों ही पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ आपको समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों। चलो इसको हटा देता हूँ। चलो उसके बाद में अपन ने बात करी इनकी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होते हैं कि सर ये बार सारी वैल्यू होती है, ये कौन कौन पॉजिटिव होती है, कौन कौन नेगेटिव होती है, अपन रट्टा नहीं मारा है, अपन ने क्या किया, चीज़ें सीखने की कोशिश की, अपने क्या किया, चीज़ें सीखने की कोशिश की है, और सारे की सारी वैल्यू के मेजरमेंट मैंने आपके सामने निकाल के बताया, ना किसी को रटवाया है ना क्या, नहीं तो मैं भी रटवा देता यार, बोल देता फर्स्ट में सभी, सेकंड में साइन कोस कर लो, उसमें थर्ड में टेन कोट कर लो, सेक कोस कर लो, लेकिन आपका माइंड देखो टेंथ क्लास में भी रटवा दिया, टेंथ के बाद में अधिकांश लोगों ने तो मैं छोड़ ही दी थी, मेजोरिटी तो उनकी है, और बाकी जो बच्चे बेचारे हैं उनको भी कुछ ऐसे ले ही नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ पर हायर लेवल की चीज़ चलती है, तो टेंथ में ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ पर क्या थोड़ा सा मेजरमेंट अलग हो जाता है इलेवन ट्वेल्थ में, और इलेवन ट्वेल्थ के बाद जो चीज़ें आती है जैसे बी एस सी एम एस सी में, तो वहाँ पर क्या है वैल्यूज थोड़ी सी अलग आती है, उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई आपसे यूँ बोले या आप किसी को लेकर चिंतित हो जाओ कि और सॉरी और उसने तो वो तो बी टेक्स हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, वो तो बहुत आगे निकल जाएगा, अरे भाई सुनो चीज़ें टेंथ तक की है, बी टेक में, बी एस सी में, इलेवन ट्वेल्थ में, साइंस बैकग्राउंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में आ रही है बात यार? उन्होंने इंट्रीगल सीखे, समाकलन सीखे, वो कहाँ आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो दसवीं तक की चीज़ें आ रही है, बस आपको ये सीखना है कि कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, चीज़ों की बारीकियाँ सीखनी है, कैसे मेजरमेंट करना पड़ता है, कैसे उनको अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशंस पर जाओ, ट्रिकों पर मत जाओ, ट्रिके तो वैसे ही सीख जाओगे, तो एप्लीकेशंस जाओगे, एप्लीकेशंस को सोल्व करोगे, तब जाके पता चलेगा कि एक्चुअली में होती क्या चीज़ें, ठीक है? तो ये फर्स्ट वीडियो था आपका, इसके बाद अपन चलते हैं